लेकिन आज हम कच्चे केले की वेफर बनाने जा रहे हैं। हमने 15 से 20 कच्चे केले ले लिए हैं। इसे इस तरह दोनों तरफ से काट लेंगे और इसे इस तरह से हम इसे इस तरह से छील लेंगे चाकू की मदद से। पूरा हरा पार्ट पूरा निकाल डालना है। इसे इस तरह से पूरा हम लोग, यदि थोड़े छोटे हैं साइज में मोटे केले और छोटे हैं तो इसे पूरा छीलिए, नहीं तो इसे दो पार्ट करके आप छीलिए। किनारे से हम सब कालापन निकाल डालेंगे। इस तरह ये हरा भाग बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, तो ही हमारी वेफर एकदम सफ़ेद और अच्छी आएगी। ये हमने वेफर स्लाइसर ले लिया है, इसकी मदद से अब हम वेफर डायरेक्ट तेल में डालेंगे। हमने एक कढ़ाई में तेल ले लिया है, इसे हम तेल हमारा गर्म हो गया है, इसे डायरेक्ट स्लाइसर से डायरेक्ट हम वेफर बनाएंगे। आ रहा है ना, इस तरह हमने एक केला जितना वेफर इसमें डाला। आप चाहे तो इसे लोहे की कढ़ाई में बनाइए, उसमें ज़्यादा अच्छा बनता है। इसे हम मीडियम फ्लेम में रखा है मैंने, इसे उलट पलट कर अच्छे से इसे कड़क कर लेंगे। इसे उलट पलट कर हम इस तरह इसे कड़क करेंगे। हमने थोड़ा मीडियम से थोड़ा हाई फ्लेम किया है। इस तरह से अब हम इसे निकालेंगे और बाजू की कढ़ाई में हम रखेंगे इसे। हम तेल पूरा निकाल लेंगे। इस तरह मैं आपको अब दूसरा केला भी बता रही हूँ। इस तरह हम दूसरा केला लेंगे। आप कढ़ाई में कम से कम इतना तेल दीजिए कि हमारी सब वेफर, एक केले की वेफर पूरी उसमें आ जानी चाहिए। इसे हम अलग पलट करके तल लेंगे। हमने आवाज़ क्लियर हो इसलिए स्मोक बंद किया है। इस तरह उलट पलट करके हम इसे अच्छे से कड़क कर लेंगे। हमारी वेफर कड़क हो गई है, हम इसे निकालेंगे। हम सब वेफर निकाल लेंगे। हमारी वेफर हुई है, मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल दूँगी। आप यदि बारिश के दिन में बनाते हैं तो तेल की कढ़ाई में थोड़ा नमक डाल के बनाएंगे तो आपकी वेफर बहुत कुरकुरी आएगी। इस सीज़न में डायरेक्ट बना सकते हैं। अब मैं इसे, इस तरह हमारी सब वेफर बन गई, मैं इसे एक डब्बे में भरने जा रही हूँ। इस तरह हमारे पूरे 16 केले थे, उसमें इतनी वेफर बनी है, एक डब्बा छोटा। देखिए, घर पे बनाई हुई वेफर का तेल अच्छा होता है, नमक क्वालिफाइड रहता है। तो मैं सोचती हूँ आप घर पे बनाइए। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। मैं सुधाश किचन से सुधा शाह बोल रही हूँ। धन्यवाद।